मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। दिनांक 8 अगस्त 2023 को पकवान रेस्टोरेंट में पटेल महिला सेवा समिति का सावन उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। सावन में हरियाली देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। त्योहार मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर आयोजित हुआ। वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए ज्यादातर महिलाएं हरे रंग के पहनावे में आई। कार्यक्रम का प्रारंभ संगीत में शिव महिमा गीत सावन कजरी बारामासी जैसे सिया संग झूले बगिया में राम ललना वेरी भवरारे का है शोर मचाए। बीच में पुरुषोत्तम व सावन मास से संबंधित प्रश्न पूछे गए। भूले बिसरे खेल जलेबी दौड़ गेंद गुट्टी रस्साकसी की दो टीमें बनाकर किया गया, जिसमें वरिष्ठ महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा था। नृत्य कार्यक्रम में राधा कृष्ण बनकर आए छोटे बच्चों की प्रस्तुति से पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गुट्टी फोर में वीना उत्तम व केशकांति विजयी रही। रस्साकसी में वरिष्ठ महिला टीम ने बाजी मारी। जलेबी दौड़ अनुराधा सिंह नैना व सरला कटियार जीती। प्रश्नोत्तर में मीरा कटियार सुमन कटियार को सफलता हासिल हुई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जॉइंट कमिश्नर श्रीमती मिथिलेश सचान ने विजेताओं को पुरस्कृत किया और कहा, स्वच्छ पर्यावरण ही जीवन का आधार है और इसे बचाने में हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुषमा सेंगर काउंसलर परिवार परामर्श केंद्र कानपुर ने अपनी दो कविताएं सुनाई। जैसे ही उन्होंने शुरू किया, सब मिल खुशी मनाओ आज प्यारा प्यारा सावन आया, झंडा तुम लहराओ आज प्यारा प्यारा सावन आया, सुनते ही सारी महिलाएं करतल ध्वनि के साथ स्वर में स्वर मिलाने लगी। कार्यक्रम में विशेष रूप से सरला कटियार नमिता कटियार प्रिंसिपल सरस्वती विद्या मंदिर शारदा नगर रेखा कनौहिया शीला कटियार रेखा राजकुमारी मीरा उपमा सिंह डॉक्टर कुसुम सिंह अविचल कवयित्री नीरज कटियार पुष्पा नीता रमा मनो कटियार पल्लवी कनौजिया आदि उपस्थित रहीं। अंत में नमिता कटियार ने सबको धन्यवाद व स्वल्पाहार के साथ दोबारा आने का निमंत्रण दिया।